आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दौरा करेंगे। मातृका ऑडिटोरियम कटरा में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में वो शिरकत करेंगे। तो आज कटरा जाएंगे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, जहां आज वो कटरा में एक जो यूनिवर्सिटी है श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। मनोज कौर हमारे से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, इनपुट एडिटर जेएनके। मनोज जी, आज इस दौरे को कैसे देखा जाए और ये माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय जो है इसका स्थापना दिवस समारोह है, ये कितना खास है, क्या अपेक्षा की जा रही है, क्या खास आज इस मौके पर एलजी साहब वहां कह सकते हैं या कुछ घोषणा या ऐलान कर सकते हैं शिक्षा को लेकर? हाँ देखें विशाल, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो है एक पुरानी यूनिवर्सिटी है, 1999 में इसको स्थापित किया गया था एक एक्ट के तहत, और उसके बाद से ये लगातार यहाँ पर जो स्टडीज हैं वो चलती हैं, और आज उसका स्थापना दिवस है और एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर आएंगे। क्योंकि जब से एलजी मनोज सिन्हा ने अपना कार्यभार संभाला है तो बाकी क्षेत्र के साथ साथ उनका जो मुख्य जो उनका प्रायोरिटी रही है वो एजुकेशन सेक्टर रहा है, तो ऐसे में आज वो यहाँ जब संबोधन करेंगे तो वो इस बात का उल्लेख जरूर करेंगे कि उनके कार्यभार के दौरान कितना यहाँ पर ये जो तालीम का क्षेत्र है उसमें कितनी उपलब्धियां आई है की गई है और कितना कुछ डेवलपमेंट हुआ है इस क्षेत्र के बारे में। क्योंकि हमने देखा कि जो जैसे मैंने कहा कि जो मेन फोकस रहा है एलजी मनोज सिन्हा का वो एजुकेशन सेक्टर पे, और हमने देखा कि जो यूटी है यूटी में अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम देखें जो चाहे वो प्राइमरी सतह की एजुकेशन हो या हायर स्टडीज हो, तो उसमें खास एक जो फोकस रहा है एलजी मनोज सिन्हा का, और हमने देखा जितने भी हम यहाँ पर इससे पहले जो कन्वोकेशन हुए उसमें उन्होंने बार बार ये जिक्र किया कि सरकार का फोकस जो है वो जो हायर एजुकेशन है उस पर जरूर रहेगा, और उन्होंने बार बार एक बात का जो उल्लेख किया है वो ये है कि जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही फ्रेंडली होना चाहिए। जिस तरह से पहले ये देखा जाता था कि जो गैप होता था स्टूडेंट और टीचर के बीच में, उस तरह का गैप नहीं होना चाहिए। बार बार उन्होंने ये कहा है कि एक फ्रेंडली एटमोसफियर क्रिएट होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्रिएटिविटी जो है उसको उभार के एक टीचर उसमें मदद करे ताकि उसकी जो क्रिएटिविटी है वो उभर सके। और रिसर्च खासतौर पे जब हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं मिसाल, तो रिसर्च एक बहुत बड़ा इशू होता है कि रिसर्च जितना ज्यादा होगा उतना ही आगे जो है तालीम क्षेत्र जो है जो एजुकेशन सेक्टर है वो आगे बढ़ पाएगा। तो ऐसे में ऐसे माना जा रहा है कि आज भी वो इस बात इसी बात पर ज्यादा उनका फोकस होगा यहाँ जो एजुकेशन सेक्टर में काम हुआ है, और चूंकि एक ये मौका है स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का, तो वो शायद एक कुछ और भी ऐलान कर सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर के बारे में क्या कुछ सरकार के पास जो पॉलिसियां हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा या नई नई पॉलिसीज जो सरकार यहां पर लाना चाहती है उसका उल्लेख भी कर सकते हैं। जी मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मनोज कौर जी ने हमें बताया कि क्या अपेक्षाएं हैं और क्या उम्मीद की जा सकती है, चूंकि एलजी मनोज सिन्हा जो है उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है शिक्षा खासतौर से, तो इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ नई घोषणा भी ऐसे मौके पर कर सकते हैं जबकि वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के